लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लाखों प्रवासी मजदूरों को लेकर राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद राज्य सरकारें अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने में जुट गई हैं। तेलंगाना के लिंगमपल्ली में फंसे मजदूरों को लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई जो आज रात को झारखंड पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से रेलवे ने पहली बार तेलंगाना के लिंगमपल्ली में फंसे 1200 प्रवासियों को झारखंड के हटिया तक ले जाने के लिए विशेष ट्रेन चलाई। आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने बताया कि 24 बोगियों वाली यह ट्रेन शुक्रवार सुबह 4:50 पर रवाना हुई। उन्होंने बताया कि ये प्रवासियों के लिए अब तक चलने वाली पहली ट्रेन है। संयोग से शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है। इस विशेष ट्रेन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि देश के कई राज्यों से प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजा जाएगा। फिलहाल मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन रेल मंत्रालय का कहना है कि इसे राज्य सरकार की अपील पर चलाया गया है, जिसमें सभी तरह के नियमों का पालन किया गया है। देश में ये अकेली ऐसी ट्रेन है जिसे चलाया गया है। राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के निर्देश के बाद आगे किसी ट्रेन को चलाने का फैसला लिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मजदूरों की वापसी के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को उनके राज्यों में पहुंचाने के लिए भी बसें चलाई जा रही हैं। दिल्ली से भी 40 बसें छात्रों को वहां से निकालने के लिए रवाना हो चुकी हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है, कोटा में जो हमारे बच्चे हैं उनके लगातार फोन आते थे कि हमें यहां से निकालिए। केंद्र सरकार की इजाजत के बाद आज हमने 40 बसें कोटा भेज दी हैं। उम्मीद है कल तक वो वापस अपने घर आ जाएंगे। मेरी सभी बच्चों से अपील है कि वो अपने घर पर 14 दिन होम क्वारंटीन रहें। इससे घर परिवार के लोग सुरक्षित रहेंगे। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सरकार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। हर जिले और राज्य की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आगे की राह बनाई जा रही है। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1993 नए मामले सामने आए हैं और 73 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 35,043 हो गई है, जिसमें 25,007 सक्रिय हैं, 8,889 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1,147 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं। अमर उजाला .com